21 जून रात नौ बजे जियो सिनेमा पर सब कुछ पता चल जाएगा और 24 फोर आवर्स चलने वाला है दोस्तों तो बस उतना वेट कर लो और तब तक के लिए सर और बड़े सर बिग बॉस के बॉस और हम सब के बॉस यहाँ पे बैठेंगे और आप सबके सवालों के सारे जवाब दे देंगे तब तक मैं आता हूँ चाय पिए चाय मेरे लिए भी भेज देना भाई ठीक है सर

Marathi, Marathi So yeah, yeah, Marathi So uh, you see, the thing is, uh, because you asked me the question in English, I'll answer it in English. Uh, you know, I'm at the stage of my career. You know, I, I just want to do something which I've never done. Uh, I've done uh, in a way non-fiction in, uh, in a film uh, which was uh, a global success. I don't have to name it, I'm sure you'll know about it. It's Slumdog Millionaire. And I've done some fiction shows also on OTT. I've done films, I've done television. So this is something which i had not done. So I said, let me, you know, uh, why not try my hand at it? And I'm that's the reason I'm doing it. And uh, I'm excited, I'm very happy to do it. Hello, sir. Uh, I'm Neetu Singh Danik Bhaskar. पहले तो सर ट्रेलर देख के बहुत एक्साइटेड हैं हम आपकी होस्टिंग के लिए सब कुछ बदलेगा सब कुछ अलग होगा लेकिन सर बिग बॉस में एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलती वो है कॉन्ट्रोवर्सीज और कॉन्फ्लिक्ट झगड़े बहुत होते हैं तो आप किस तरह से उन्हें उनसे निपटेंगे किस तरह की प्लानिंग होगी आपकी देखिए ये सब चीज़ें जो होती हैं ये किसके घर में झगड़े नहीं होते हैं किसके घर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं दैट इज़ वॉट इज़ यू नो हम हंसते हैं हम रोते हैं बट इन बिटवीन जो चीज़ें होती हैं हमें कभी पता नहीं होती है पर वो हर जगह होती है और देन समन क्रॉसेज द लाइन इज टू सर्टेन एक्सटेंट तो आई हैव टू बी वेरी फेयर एंड फर्म सो दैट्स मैं ये कोशिश करूँगा मैं फर्म भी रहूँ और फेयर भी रहूँ और और जैसे कि कहा कि कभी कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी बिग बॉस के हाउस में जो कंट्रोवर्शियल होंगी एंड uh, थोड़ी अनकम्फर्टेबल होगी एंड uh, ये सब चीज़ें तो होती हैं लाइफ में भी होती हैं एंड हाउ यू हैंडल इट इज़ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए वो अगर किसी ने बोला किसी कंटेस्टेंट वो अपने आप से वो मेरे से झूठ बोलेगा वो बात अलग है वो फिर भी मैं हैंडल कर लूँगा कि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है मगर वो जो अपने आप से झूठ बोलेगा वो सबसे बुरी चीज़ होगी और वो लाइफ में भी ऐसे ही होता है सो ऑल दीस थिंग्स दीज डायनेमिक्स वन दे हैपन यू नो इन वेरी वेरी वे ट्वेंटी फोर सेवन आप सब देख सकते हैं तो वो मुझे एम्पति uh, भी दिखानी पड़ेगी और थोड़ा डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा तो कभी कभी मैं एम्पति भी दिखाऊंगा थोड़ा सा उनके साथ uh, समझदारी से भी बात करूंगा मगर कभी कभी मुझे डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा ये सारी डायनामिक्स मुझे करनी पड़ेगी जो मुझे लगता है सही है वो मैं करूँगा एंड आई आई डोंट हैव टू आई हैव टू बी वेरी ट्रू टू माई सेल्फ जो मैं करूंगा मुझे हाइव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ कुछ लोगों को पसंद आएगा कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा बट आई प्रॉमिस यू आईल बी वेरी वेरी ट्रू टू माई सेल्फ अनिल सर इज अजित दिव्य सोलगामा एंड कॉन्ग्रेचुलेट नो सर आपने प्रोमो में कहा कि सब कुछ बदलने वाला है और ये हर बार होता है जब भी न्यू सीजन आता है कई न्यू एलिमेंट्स एड होते हैं तो आपसे जानना चाहूंगा कि स्पेशली क्या बदल रहा है और क्या नए एलिमेंट्स ऐड हो रहे देखिये सोल तो वही रहेगा हर okay. चीज जैसे कि आपने मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत आ, बरसों से आ, चल रही हैं चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो टूथपेस्ट हो चाहे वो एक्टर हो चाहे वो कंपनी हो चाहे वो पॉलिटिशियन uh, हो लीडर हो यू हैव टू कीप ऑन कहीं ना कहीं आपका सोल और आपके आइडियल सेम रहते हैं मगर यू कीप ऑन एडिंग फ्यू थिंग्स विच मेक इट लुक फ्रेश मेक इट लुक डिफरेंट मेक इट मोर एक्साइटिंग फॉर द ऑडियंस मगर जो जो गेम है वही रहेगी टास्क भी वही होगा बट देर वी सम थिंग्स विच बी एडेड जैसे कि हम लोग गाड़ियाँ लेते हैं कभी कभी गाड़ी लेते हैं तो इंजन तो सेम रहता है इंजन और बेटर करते हैं उसमें थोड़े बहुत ऐड करते हैं थोड़ा कुछ ऐड करते हैं तो यू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कार एंड यू बाय द कार सेम इज़ विद एन एक्टर ऑल्सो मैंने भी यही किया अपने करियर में कि मैं तो वही हूँ मेरा मेरी सोच भी वही है पर कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ कैसे करूँगा मैं टीम अच्छी होनी चाहिए पार्टिसिपेंट्स अच्छे होने चाहिए तो इसमें पार्टिसिपेंट्स होपफुली uh, बहुत ज़बरदस्त होंगे मुझे भी पता नहीं कौन है वो भी मुझे भी मालूम पड़ने वाला है कल या परसों जब भी उन लोग मुझे बताएंगे तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द टीम विच इज़ बीन वर्किंग फॉर द लास्ट टू डेकेज इज नो दे हैव टू गिव देयर बेस्ट दे हैव टू बी इन तो ये सब चीज़ें जो होता है एंड सबसे नई बात यह है कि आई एम होस्टिंग सो यू नो आई आई होप विद दैट अ न्यू एनर्जी विल कम अ न्यू टेक विल कम To the Big Boss show. Hello, my question is for Alok. Here. Here, here. Yeah, here. Uh, now, I want to know uh, what was the reason and thoughts behind choosing Anil Kapoor for the show. Uh, see, uh, as we mentioned, the sh show has uh, been there for last two decades, um, right? And we have to constantly look at doing innovation. And we added two years back Big Boss OTT. We, what we wanted to do was, we wanted to segregate, separate how Big Boss OTT behave and how Big Boss uh, the television and the television one behaves. Because, our ambition was that how do we establish Big Boss OTT very differently compared to the Big Boss the other one. And hence, we really wanted that the one of the big, big difference we can create besides the interactivity and 24 7 live feed and other things is a host. And hence, uh, we requested and discussed with uh, AK Sir about how his excitement will be. And we are extremely thankful for his excitement, his passion, and over the last uh, couple of uh, months, the excitement we have seen and the energy he brings to the, to the show is very, very exciting. So we are very excited to have him. Thank you. निकिता यॉम इंडिया फोरम्स मैं ये जानना चाहती हूँ आप हमेशा ऐसी चीजें करते हो जो झकास होती है तो बिग बॉस ओ टी टी भी कर रहे हो किसी खास रीजन से आई वॉन्ट टू आस्क यू वट इज दैट वन थिंग दिस शो अपार्ट फ्रॉम द अदर रियालिटी शोज आई थिंक इसी तरह फ्यू शोज इन दर्ल्डफुलर इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक यू कैनॉट पिन पॉइंट There are, there is uh, who wants to be a millionaire which is not only successful in india but successful all over the world there are certain uh, uh, musical shows which are very very successful and there is big boss you know which was conceived many many years back and uh, there is something which is which is so different and uh, the you know it's interactive there are and you put all the participants in a kind of a situation in a room i think that's what the way it was uh, you know the the seed came into the mind and, uh, and 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 the reason everybody loves it is because you see so many things uh, in close quarters in close ups i think that's what is uh, fascinating and uh, and uh, the other shows are completely different uh, they are you know एंड इसका एक अलग औरिजनेलिटी है सो आई थिंक एवरी शो हैज़ सर्टन काइंड ऑफ यूनिकनेस एंड बिग बॉस कुछ तो इसमें क्या बात है आप सब जानते हैं और मैं उसको पिन पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है बट इट इज़ कंज्यूम्ड नॉट ओनली इन इंडिया बट स्पेशली इंडिया इन सो मैनी लैंग्वेज मलयालम में भी है तमिल में भी चल रहा है तेलुगू में भी है हिंदी में भी है इतने सालों चल रहा है और अब भी चल रहा है तो दर आर लॉड ऑफ थिंग्स बिच आर आर्टन फैंस Who have seen each and every season of this show, and they are completely obsessed with this show. Uh, I think that there must be something which is, uh, you know, the content is very very strong, and all depends on the content. And then who the host is, who the participants, who, who what is the mood, and most important, the platform. Now, Geo Cinema is the platform that also makes a lot of difference. Who is uh, going to, you know, where are you going to watch it? एंड इज नथिंग बेटर दैन जियो सिनेमा नॉट बिकॉज आलोक साहब इज सिटिंग हुई है बट इट्स अ फैंटेस्टिक प्लेटफॉर्म एंड यू नो एज अ ग्रेट होम फॉर बिग बॉस एंड वी कंट फाइंड भी अ बेटर होम दैन फॉर ओ for OTT than जियो सिनेमा मेरे घर में मेरे घर में मेरे घर में मेरे ख्याल से बिग बॉस कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने नहीं देखा हो you know there must be there must, there must be time when they might have seen bits and pieces but people have seen it and i'm sure my family also has seen it everybody must have seen it and uh, uh, there are so many friends of my wife who are such big fans of uh, big boss i can't even tell you it's unbelievable yeah uh, this question is for mr alok

ऐसे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं बिकॉज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लोगों की राय जानी जा सकती है सो आई थिंक दिस इज द वी आर लुकिंग एट फॉर फिगरिंग आउट कि वॉट पीपल वॉन्ट वॉट ऑडियंस वॉन्ट टू डू एंड वी कैन सी हाउ डू वी मेक दिस हैपन इन द हाउस सो आई थिंक दिस इज द एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू एंड ऑल द ऑडियंस टू वेट एंड वॉच बिकॉज एक्साइटमेंट वही है जो एक्साइटमेंट uh, वही है इस शो का कि जब शुरू होता है तो कैसे क्या क्या नया चीज़ आएगी इसमें Um, वो, आपकी आवाज बुलंद है बोलिए मौका मिले थे Obviously, I, you know, सबसे पहले तो आई वुज थर्टी ओल्ड बी पार्टिसिपेंट्स यू नो एंड अभी मौका मिले तो मैं कपिल शर्मा सलमान साहब और uh, uh, करंजौर और मैं हम चारों को जाना चाहिए हम चारों को पार्टिसिपेंट होना चाहिए आप पूछेंगे नहीं उसका होस्ट कौन होगा अमित जी हाय मिस्टर कबूर हाय मिस्टर जैन दिस इज प्रतिष्ठा बघेल फ्रॉम मिंट हियर यस Hi, my question for, uh, was for Mr. Jan. So I wanted to ask what is different this season? What is your USP and what are you offering this time differently from the previous seasons? Please call Alok. I feel so older when you call Mr. Jain. Right. I think the biggest Alok. difference is sitting in front of you. I think that's the biggest difference. And uh, that's the biggest difference. I think none of us ever, I'm sure none of you were ever expected that we can do.

विच आई यू नो आई विल बी यू नो जो करते हैं आप लोग भी जो करते हैं हम लोग सब करते हैं फिल्मों में और जो जो चीज़ें हम लोग करते हैं कुछ ना कुछ तो बदलाव लाना ही पड़ता है अदरव हाउट भी एक्साइटिंग सो देर आर ऑल चेंजेस विच आर वियली एक्साइटिंग एंड आई एम श्योर यू वेलकम टू ना आप लोगों को पता चलेगा कि मैं भी जब मैं भी मैंने भी जाके यू नो दीज आर वेरी लाइक द सेट यू नो इट्स ब्यूटिफुल इट्स फैंटेस्टिक दैट्स नॉट वन ऑफ द यू नो एंड Uh, uh, you know the participants they look very uh, exciting and that also makes a lot of difference i think that's what so that also you know because you're not going to get the same participants they're different participants so that also makes it very fresh so it's the host it's the participants there are so many things there are certain things which we added which were never there which were never done and because it's 24-7 that also makes it so new you know टेलीविजन पे तो आप कुछ घंटों के लिए देख सकते थे यू नो एंड बट इस पे आप 24 घंटे 24/7 यू कैन वॉच इट एंड देयर आर सो मनी कैमरास एंड देयर बी लॉट ऑफ इंटरेक्टिव विद द ऑडियंस आल्सो व्हिच विल बी वेरी डिफरेंट अह अनिल जी मेरा सवाल आपसे है हाँ जी बताइए जी भावना शर्मा नवभारत कहां से uh, आप जी ये इधर हूं आपके सामने हां जी जो ये हम इतने सालों से आपको देख रहे हैं आपका इंटरव्यू कर रहे हैं लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है उससे कंट्रोवर्सी दूर दूर तक कभी नहीं आ, मैच करती है आप बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल रहे हैं किसी भी मामले में हम लोग इसीलिए आपका रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं तो ये जो फिल्म है ये ट्वेंटी फोर का शो है और रियल है तो इसमें जो और, और इसकी जो तासीर है वो पूरी तरह से कंट्रोवर्सी पर बेस्ड है तो आप इसमें अपने आप को कितना संभाल के रखेंगे और कितना डिफरेंट रहेंगे इसी ये शो बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने किया है और जो दिग्गज लोगों ने किया है उन सबकी रिस्पेक्ट बड़ी है कम नहीं हुई है तो अगर आप कहेंगे कि उनकी रिस्पेक्ट कम हुई है तो आई बी वेरी सरप्राइज इट्स हाउ यू हैंडल योर सेल्फ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and uh, how you handle those controversies how you react you don't react that's very very important and uh, i have to be true and there are times when you know someone comes into that kind of situation and that will uh, that will be the sh you know the true strength of the of the show and of me also how i handle these controversies and uh, you know sometimes when you do something हर चीज़ आप सेफ़ खेलेंगे ज़िंदगी में वो मैंने आज हाँ तक कभी किया नहीं है मैंने हमेशा चीज़ें ऐसी की है जब मैंने ट्वेंटी फ़ोर भी किया था तो सबने बोला तू यार बड़े पर्दे का कलाकार है कहाँ तू ये टेलीविजन कर रहा है क्यों ऐसा कर रहा है तो मैंने किया फिर uh, जब अपना मैंने uh, क्या बोलते हैं ओटीटी पे जब uh, अपना शो किया वो फिक्शन था बट आई ऑलवेज पेड अ गुड मैन यू नो ऑफ अ गुड सन A good brother, ladla, beta, Mr. India, and suddenly I did night manager where I'm the worst man in the world. So you have to challenge yourself. You have to, uh, you know, do something which you have never done and see how it goes. Sometimes you're successful. Sometimes you're not successful. Itna sochunga to kya? I don't think so. I think that's not the way. Uh, as uh, as I said, Denzel Washington said uh, that's the reason I'm as uh, you know. I is is you have to. You know, if you have to fall, you have to fall forward, not backwards, and learn from that. So, You know, i would just like fine. to add, you know, sorry, yeah, yeah. So I am uh, very uh, excited, and I'm, I'm ready for all the controversies, and see how it goes. You know, it's just the beginning. Yeah. It's fine. Sorry. What? yeah, many my tips. तो अभी यू नो यूसी मैं सुनता हूँ सबकी उम्र करता हूँ अपनी है ये हमेशा मेरा है, रहा है एंड आई लिसन टू एवरीबडी बट आई डू वॉट आई फील इज वाइट बट सलमान वॉज वेरी हैप्पी मोर देन हैप्पी देन आई वॉज वैन आई स्पोक टू दैट आई एम डूइंग द शो कि मैं ये शो कर रहा हूँ उसे बहुत uh, बहुत ही एक्साइटेड था और uh, उसने मुझे कहा कि देख uh, सबको संभालना अगर कोई नहीं सम्भलेगा तो बोला तू ठीक करता है वैसे भी तू मेरे से यंग लगता है मगर अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे बताना हम दोनों मिलकर ठीक कर देंगे यार सही सही कर देंगे last question, last. Ma am, ma am, yeah. अरे लास्ट क्यों यार बोलो और यार क्या बक बक पूरी रात बैठे हम लोग अजय जी हीना कुमावत फिल्म विंडो हीना जी प्रोमो एकदम झकास है हाँ और जैसे ही प्रोमो आया रिया सोनम अर्जुन हर कोई काफी एक्साइटेड लग रहा था ऐसा लग रहा था कि आपसे ज्यादा वो इंतजार कर रहे थे कि आप इस शो को होस्ट करें

जो एक ऐसा यू you नो know, जो फ्लॉप हो चुका है बर्बाद हो चुका है कहता वो और वो दूसरा जो अपना अपना क्या बोलते हैं वो अपना अनुराग मुझे बोलता भी है और मेरे मुंह पर पानी भी फेंकता है यू अंडरस्टैंड ऐसा स्क्रिप्ट था बहुत ही एक्सपेरिमेंटल वेरी ट्रिकी एंड विच वॉज समथिंग विच वॉज वेरी नॉट गोइंग विद माई इमेज आई हैड टू डू दिस वेरी आई हैव टू थिंक टेन टाइम्स बिफोर डूइंग दैट रोल बट आई सेट नहीं यार करता हूँ मैं देखता क्या हो जाए और आपको पता कितना कितनी सक्सेसफुल हुई फिल्म और उसमें मेरे डायरेक्टर ने बोला अपना के मैं रिया वन टू कास्ट रिया आउ टू कास्ट हर्ष टू कास्ट सुनीता आई वो टू कास्ट सोनम मेरे बोला भैया दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स यू हैव टू आस दैम आई एम नो बडी टू मेक अ डिसीशन फॉर देम एंड स्पीक अबाउट दैम इट इज़ देर डिसीशन आप लोग

पहले तो स्क्रिप्टेड चल रहा था अभी अनस्क्रिप्टेड है और अनस्क्रिप्टेड में जो मजा है वो स्क्रिप्टेड में नहीं है हेलो बोलिए सर हाँ बोलिए पूछिए आज बहुत जो पूछना पूछिए मुझसे हाँ जयपुर से, से हैं आप जी क्या बोला सेम स्कूल से हाँ तू तू फेल हुआ था पास हुआ था

ट वुड योर स्ट्रैटीज भी अगर आप कंटेस्टेंट होते तो और दूसरी चीज यार, मेरे माथे पे क्या लिखा है यार सर, <laughs> सर मुझे भी भी मैं, मैं 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 आप आप क्यों क्यों होगी मैं मैं आपसे मेरी क्या strategy अभी आप नहीं है ना लेकिन कुछ तो भी हो सकता है जिंदगी में आप एज ए होस्ट में कुछ कर... भी हो सकता है वो, कुछ भी आपको ट्राई करना चाहिए मैं आप सबको बोलता हूं डरना मत फेलियर से डरने का नहीं पैंतालीस साल से खड़ा हूं अगर डरता ना तो यहां खड़ा नहीं रहता समझा ना सही बात है ना टेंशन नहीं लेने का सर एज अस्ट कोई तकिया कलाम है आपका इसमें मानता हूं तेरी पसंद को फादर बिग बॉस को तूने पसंद किया मस्का मस्का एकदम झाका थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सो मच सर बिग बॉस की जो होस्टिंग है बिग बॉस और सलमान खान ने एक एक बेंचमार्क सेट किया है हां जी उसको मतलब मेंटेन करने का या सरपास करने का आपको लगता है चैलेंज या प्रेशर रहेगा बिकॉज़ आप बहुत कॉम्पिटिटिव हैं देखिए क्या नाम है आपका उपमा उपमा मेरे को बहुत पसंद है थैंक यू सर ये मेरा फेवरेट था क्योंकि वो क्या होता है रीजनेबल प्राइस भी होती है उसकी इडली डोसा और थोड़े बहुत ज्यादा पैसे तो उपमा खाता था नाइस टू मीट यू उपमा जी और आपने मुझसे कहा कि उनका स्टाइल है उनका सब कुछ है क्या बोला मैंने जैसे शुरू किया था कि ही इज इ एम आर राइट रॉन्ग सो एम आई एनीबॉडी एल्स सर सर एक सवाल था सर हाँ जी बिग uh, बॉस के जो आलोक जी हैं उनसे के अभी तक आपने सब नहीं अभी आज मैं बताऊंगा कब क्लास क्वेश्चन होने वाला है होस्ट हूँ मैं समझा ना yes. अभी कभी होस्ट हूँ ट्वेंटी फोर सेवन स्टार्ट फ्रॉम हियर हाँ ट्वेंटी फोर सर अभी तक आपने हर uh, जगह से लोगों को यहाँ पर बिग बॉस में कंटेस्टेंट बोल के लिया पर अभी तक आपने बॉलीवुड में के कोई ब, बिग पर्सनैलिटी जैसे कि सलमान खान अनिल जी अमिताभ जी या फिर और इनमें से किसी को क्यों नहीं लिया अभी तक यार क्यों नहीं लिया यार शो ना यू रिमेम्बर इट्स नॉट अफोर्डेबल टू रन विद सच पीपल दे हैव टाइम एंड नीदर यू कैन रन विद सच द इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज रीजन टू वेट

सॉरी यस, सो अब तक कंटेस्टेंट्स का हमने वॉट वी हैव डन इज वी हैव डन वोटिंग वी हैव डन एलिमिनेशन प्रोसेस ओनली लार्जली एंड बट देर इज एज वी हैव सेड ऑलियो एंड द कॉन्फ्रेंस डिस नाउ दैट वी आर लुकिंग एट कि हाउ कैन व्यूअर्स पार्टिसिपेट इन मेकिंग टास्क थिंग्स कंटेस्टेंट्स टू डू

लेडीज़ हाँ. लेडीज़ पर जब भी कोई होस्ट बदलता है है या वर्सेस होस्ट हो जाता है, पर्टिकुलर होस्ट आप कितने रेडी हो ये ट्रोलिंग को लेकर क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सलमान खान वर्सेस पर्टिकुलर होस्ट हो जाता है आजे. शुरू कर दो यार क्या फर्क पड़ता है यार आई टेल यू व्हाट मैं यार मैं समझा कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चन आएगा आपसे यार सेम वही पचास लोग वही पूछ रहे हैं यार कोई बात नहीं बात करेंगे आपसे एक दिन बट कोई फर्क नहीं पड़ता है? ट्रोलिंग इज़ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ, यू नो इट्स पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया एंड यू नो एंड यू हैव टू फेस इट एंड कितने एग्जांपल्स हैं uh, जैसे कि मैंने कहा कि जब मैंने जो जो मैंने काम किया है आज तक तो और जब डिजिटल फॉर्मेट आ चुका था उसके बाद आप तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं मैंने ऐसे ऐसी चीज़ें की हैं अपने लाइफ में अपने करियर में जो मैं हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया के मशहूर मन ने बताना कि फनकार लोगों के साथ और उनका मैंने रोल किया तो इमेजिन कर लो कि मेरे पे कितना प्रेशर होगा जो दुनिया में मशहूर है और मैंने अपनी मेहनत अपनी शिद्दत अपनी ऑनेस्टी से काम किया एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मोस्ट ऑफ हैव बीन पॉजिटिव एक दो चीज़ें नहीं भी चली नहीं चली तो आगे बढ़ के मैंने दूसरी चीज़ें की फिर तीसरी चीज़ें की इसलिए मैं जैसे कि कहा कि ऐसे ही नहीं बैठा हूँ पैंतालीस साल से कुछ तो ठीक किया है मैंने करेक्ट है कि नहीं करेक्ट सही बात है ना थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर हाँ जी सर सर के लिए डिनर मंगा लेते हैं सर सर बरूबर तू घर जा <laughs> <laughs> अरे हो गया आंसर ये हो गया चल अभी मैं होस्ट हो गया हूं करेक्ट हाँ, आप बोलिए फ्रेश क्वेश्चन पूछिए लास्ट नॉट लास्ट यो लास्ट नो नो आपको तो मिलता रहता हूं मैं <laughs> हाँ जी पूछिए महाराष्ट्र uh, और रितेश देशमुख साहब कर रहे हैं बिग बॉस yes, मराठी में जरूर देखिएगा बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं मेरे छोटे भाई हैं जैसे सलमान मेरा छोटा भाई है दोस्त है भाई है ये ऑल वेल अदर कभी कभी यू नो you know, मैं रिप्लेस किया जाता हूँ कभी वो रिप्लेस किया जाता है ये जो वर्ड है ना बड़ा गलत है इट्स नॉट राइट सबके पास काम है और सबके पास काम मिलता रहेगा कभी किसी रीज़न की वजह से किसी के पास टाइम नहीं होता कि अभी हाल ही में मेरे को दो जगह रिप्लेस किया है मुझे लोगों ने फ़िल्मों में अभी क्या रीज़न है रिप्लेस का वो तो रीज़न रीज़न है वो बोलने की क्या जरूरत है वो तो चलता रहता तो मेरे को भी बहुत लोगों ने रिप्लेस किया मैंने भी रिप्लेस किया लोगों को We are just doing our job, and we should just do it with a lot of sincerity and honesty, and that's what life is. I think. Energy, this show is 24 into 7, like it is going to be 24 hours, right? Correct. So, what restrictions are going to be put in in the bedroom? What will be edited? <laughs> you have to go <laughs> watch it. <laughs> 24/7. Thank you very much. Thank you very much. It's been thank wonderful you, speaking you. to you all. Thank you. very and, much. And uh, great. uh, yeah, for coming here and uh, I request the online board member. आपका काम करता हूँ. Yes, yes. हाँ, तू थोड़ा slow बोल रहा था. Now I request the online portals and the news channels to come forward for the Janta Bhaij. Don't forget 21st June से रात 9 बजे Geo Cinema शुरू हो रहा है Big Boss OTT Season 3. आइए Janta Bhaij लीजिए, ash कीजिए, सब लोग आइए. Come on, come, please come. आज उधर आ जाऊँ?